जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि कोर्ट कितनी तरह की सज़ा किसी भी ऑफेंडर को दे सकती है। दूसरा एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी हुई है कोर्ट ने, तो क्या उसको सिर्फ 14 साल तक जेल में रहना है? तो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको आईपीसी के सेक्शन 53, 54 और 55 को समझना होगा। देखो, बेसिकली कोर्ट कितनी तरह की सज़ा दे सकती है, किस किस तरह की सज़ा देने का प्रावधान आईपीसी में है, ये डिपेंड करता है कि किसी भी एक्यूज्ड ने या ऑफेंडर ने किस तरह का ऑफेंस किया है। मतलब कि ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, हीनियसनेस कितनी ज़्यादा है, उसके आधार पर ही जो है कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड को, किसी भी ऑफेंडर को सजा देती है। तो चलिए समझते हैं कि किन किन ऑफेंसेस के आधार पर किस किस तरह की सजा जो है किसी भी एक्यूज्ड को दी जा सकती है। तो आईपीसी के सेक्शन 53 में बेसिकली 5 तरह की सज़ा का प्रावधान है, 5 तरह की पनिशमेंट का प्रावधान है जो किसी भी ऑफेंडर को कोर्ट दे सकती है। डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का ऑफेंस किया हुआ है। तो बेसिकली अगर किसी भी ऑफेंडर ने ऐसा ऑफेंस किया है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी का मतलब कि जो ऑफेंस बहुत ही रेयर है, जो जो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि इस तरह से भी कोई ऑफेंस कर सकता है, अगर उस तरह का ऑफेंस किसी ऑफेंडर ने किया हुआ है तो उसको जो है मृत्यु दंड मतलब कि डेथ की पनिशमेंट जो है कोर्ट दे सकती है। तो यह है पहली सज़ा जो कोर्ट देती है डेथ की। अब जो दूसरी तरह की सज़ा है वो है उम्र कैद, मतलब कि जो हीनियस केसेस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस केसेस होते हैं बट जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आते, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएंगे उनके लिए डेथ की पनिशमेंट, बट जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आते बट बहुत ही ज़्यादा हीनियस नेचर के क्राइम होते हैं, ऑफेंस होते हैं, उनके लिए उम्र कैद की सज़ा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा कोर्ट उनको दे सकती है। तो ये दूसरी तरीके की सज़ा थी। अब तीसरी तरीके की सज़ा होती है कैद, सिर्फ कैद मतलब इम्प्रिजनमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट भी 2 तरह की होती है, एक होती है रिग्रस इम्प्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब रिग्रस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या फ़र्क होता है ये समझ लेते हैं। बेसिकली रिग्रस इम्प्रिजनमेंट में आपको हार्ड लेबर करवाया जाता है, आपको जेल में बंद करके आपसे बहुत ही कठिन कठिन काम करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो ऑफेंस किया हुआ है उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हीनियस तरह का आपने कोई ऑफेंस किया है, तो उसके लिए कोर्ट आपको रिग्रस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकती है। बट अगर आपने ऑफेंस जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा हीनियस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रस नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है सॉफ्ट इम्प्रिजनमेंट, एक तरीके से वर्ड है सॉफ्ट इम्प्रिजनमेंट, तो सॉफ्ट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट की आपको सज़ा दी जाती है। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सिर्फ एक स्किल्ड काम दिया जाता है, जिस चीज़ में आप निपुण होते हैं आप उस काम को कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको लेबोरियस वर्क या हार्ड वर्क करना है। तो ये थी तीसरी तरीके की सज़ा। चौथी तरीके की सज़ा होती है कि अगर कोई आपने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कोर्ट को लगता है कि आपकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लेना चाहिए, तो कोर्ट आपको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा ना देकर आपकी संपत्ति को कुर्क कर लेती है, संपत्ति को जब्त कर लेती है, उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवी तरीके की पनिशमेंट है वो है फाइन, मतलब कि कोर्ट आपको कुछ ऑफेंसेस में सिर्फ फाइन देकर आपको छोड़ देती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी हुई है तो क्या सिर्फ उसको जेल में 14 साल तक ही काटना होता है और उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा? तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी हुई है कोर्ट ने तो उसको उम्र भर जेल में ही रहना पड़ता है। बट आईपीसी के सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसकी उम्र कैद की सज़ा को वो 14 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर सकती है या 14 साल से कम की सज़ा में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो अब एक बात ये और भी समझ लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिली हुई है तो सेक्शन 54 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसके मृत्युदंड की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल सकती है। तो ये था बेसिकली आईपीसी में 5 तरह की सज़ा का प्रावधान है और इसके अलावा मृत्युदंड और उम्र कैद की सज़ा को भी गवर्नमेंट बदल सकती है।